राम बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, राम से बड़ा कोई नाम नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया था। ये रेलवे स्टेशन कैसा होगा, इसी के बारे में एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। विग्रहवान धर्म है, अर्थात राम साक्षात धर्म के कर्तव्य के स्वजीव स्वरूप है। भारत की संस्कृति की चेतना है राम। उनके धाम अयोध्या में दिव्य और भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन को देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले अयोध्या धाम जंक्शन का उपहार दे रही है मोदी सरकार। साथ ही देशवासियों को मिल रही है 2 अमृत भारत ट्रेन, 6 वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य कई रेल परियोजनाओं की सौगात। इस पुनर्विकसित स्टेशन में यात्रियों की सुविधा का रखा गया है खास ख्याल। पूजा की सामग्री से लेकर छोटे बच्चों की देखभाल तक की गई है विशेष व्यवस्था, जिससे बच्चे, वृद्ध, दिव्यांगजन और माताओं बहनों किसी को ना हो किसी तरह की परेशानी। साथ ही यह स्टेशन अब बन गया है पर्यावरण अनुकूल भी, जिसे दिया गया है ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग का दर्जा। आज लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। अमृत काल में यात्री सुविधाओं को नया आयाम देने के लिए भारतीय रेल का एक प्रयास है अमृत भारत ट्रेन। इस ट्रेन में दोनों ओर इंजन होने के कारण इसका होगा बेहतर पिकअप, जिससे यात्रा समय में आएगी कमी। स्वदेशी तकनीक से बनी इस ट्रेन में बेहतर सुरक्षा और आरामदायक सफर के लिए बड़ी है सुविधाएं और नई तकनीक से नहीं लगेंगे आपको झटके। आपकी यात्रा को अधिक आरामदायक और यादगार बनाने के लिए अयोध्या मार्ग से दरभंगा और दिल्ली के मध्य तथा मालदा से बेंगलुरु के मध्य 2 अमृत भारत ट्रेनों का हो रहा है आज शुभारंभ। साथ ही अयोध्या की इस पावन धरती से आज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश को दे रहे हैं 6 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात, जो चलेंगी अयोध्या और दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा और दिल्ली, अमृतसर और दिल्ली, कोयंबतूर और बेंगलुरु, मैंगलुरु और मडगांव, जालना और मुंबई के बीच। मजबूत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जौनपुर अयोध्या बाराबंकी रेल प्रोजेक्ट के लगभग 152 किलोमीटर के विभिन्न रेल खंड का, मल्हौर डालीगंज रेल खंड के डबलिंग और विद्युतीकरण का और रूमा चकेरी चंदारी तीसरी लाइन परियोजना का कर रहे हैं देश को समर्पण। विरासत भी विकास भी के मंत्र को साकार कर रही है भारतीय रेल। इन अत्याधुनिक स्टेशनों और ट्रेनों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक विरासत को मिलेगा बढ़ावा। वहीं विकसित भारत का पथ भी होगा प्रशस्त। अयोध्या धाम जंक्शन के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि
तो न्यूज़ इंडिया आपको अयोध्या की महा कवरेज दिखा रहा है कि किस तरीके से अयोध्या राममय हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात भी आज दी है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमिताभ जी भी बने हुए हैं। अमिताभ जी देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी पहुंचे हैं तो करोड़ों की सौगात भी अयोध्या वासियों को दी। निश्चित रूप से देखिए वहाँ पे बहुत सारे साधन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है, ढांचागत विकास किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आएँ तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मुझे लगता है कि हमें एक और पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो श्रद्धालु वहाँ पे आएँ उनको श्रद्धा भाव से ट्रीट किया जाए, रिसीव किया जाए ताकि वो एक श्रद्धा भाव लेकर और बहुत प्रेममय भाव लेकर के वापस जाएँ। हम सभी जानते हैं कि जो नई जगह होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अचानक बढ़ने लगती है तो बहुत से लोग वहाँ बाहर से भी आएंगे, कोई रोजगार के खातिर आएंगे, कोई अन्य कार्यों से आएंगे, तो उन सब का जो इंटरेक्शन है अब उस शहर का चरित्र भी बदलेगा। तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे वहाँ पर रिक्शे वाले हैं, टांगे वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, इसी तरह और सर्विसेज देने वाले होटल्स नए नए खुलेंगे, बहुत सारे बाहर के लोग आएंगे, रेस्तरां होंगे, खाने पीने का सामान बेचने वाले होंगे, बाजार में और तरीके का सामान बेचने वाले आसपास से दूर दूर से लोग आएंगे। तो होता क्या है कि जब आर्थिक स्वार्थ जुड़ जाता है ना तो कई बार वो बड़े रूडली रुक्षता के साथ पेश आने लगते हैं, कई बार वो बाहर से आए लोगों को देख करके लूट खसोट की एक प्रवृत्ति जागृत होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वो राम का धाम है, राम जिस तरीके से सबसे प्रेम से पेश आते थे और लोगों को हर काम को करने में वो बहुत ध्यान रखते थे, तो उसी तरीके से हम जैसे कहते हैं ना कि भोजन भाव के साथ ही प्रिय होता है, केवल भोजन दे देना, सुधाएं दे देना, अगर उसके पीछे प्रेम भाव ना हो तो वो व्यर्थ हो जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे तो सरकार को चाहिए कि हर एक वर्ग को, चाहे वो रिक्शे वाले हो, ठेले वाले हो, रेस्तरां वाले हो, अन्य सुविधाएं होटल वाले हो, जो भी सुविधाएं वहां देने वाले हो, बाजार वाले हो और तरह तरह के एजेंट्स वहां पे हो जाएंगे, साथ ही पुलिस और पुजारियों को भी जागरूक करना और उनको प्रशिक्षित करना होगा कि आप आने वाले श्रद्धालुओं से आप कैसे पेश आए। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो श्रद्धालुओं के साथ नाराज होकर, गुस्सा होकर या स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ ऐसी हरकतें न करें कि सारी दुनिया में हमारे अयोध्या धाम का नाम खराब हो। आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए अयोध्या पर शौचालय और यूटिलिटी सेंटर, सीवरेज व्यवस्था, 24/7 पेयजल सुविधा, अंडरग्राउंड बिजली के तार, मुक्ति धाम, 33 से अधिक पार्कों का सुंदरीकरण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उत्कृष्ट सुविधा की गई है। अयोध्या के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण, जगह जगह पर रेलवे ओवरब्रिज और अन्य शहरों से सड़क मार्ग से आने के लिए राजमार्गों को 4 लेन बनाकर सुगम व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की अयोध्या यात्रा की परिकल्पना करते हुए नगर में प्रवेश से लेकर उनके अयोध्या प्रवास की अवधि के हर क्षण हर कदम पर उन्हें उच्च स्तरीय सुविधा देने के लक्ष्य के साथ तैयार है अयोध्या। श्री राम आन बान है, श्री राम हिंदुस्तान है, तैयार है अयोध्या, पधारिए आह्वान है, पधारिए आह्वान है। नई अयोध्या तैयार है सबके स्वागत के लिए। दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या को पूरी गरिमा और गौरव के साथ मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद है अमिताभ जी, उनके पास जाएंगे। अमिताभ जी देखिए करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दी गई। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो समय तय हुआ था अयोध्या नगरी पहुंचने का, उससे 1 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी पहुंच गए, यानी कि खुद प्रधानमंत्री अपने आप को रोक नहीं पाए राम में होने के लिए और हर
देशवासी को, हर राम भक्त को बस अब 22 जनवरी का इंतजार है। जिस तरीके से राम में हो चुकी है रामनगरी अयोध्या, तो हर कोई देखना चाहता है कि किस तरीके की वहां पर तैयारी है। बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। अभी कुछ देर पहले हमने न्यूज इंडिया के दर्शकों को भी एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई, उससे पहले हमने रेलवे स्टेशन की भी तस्वीरें दिखाई सीधी कि कितनी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है। और राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में कार्य चल रहे हैं, ऐसे में अयोध्या वासियों में ये इंतजार कर रही है, ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं, और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग, थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो। इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य जी, अश्विनी वैष्णव जी, बीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, सभी सांसद और विधायकगण, और विशाल संख्या में आए मेरे परिवारजनों, देश के इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृत काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच ये कार्य अयोध्या वासियों के
अथक परिश्रम का परिणाम है। मैं सभी अयोध्या वासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदारधाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है, बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों के भी नाप रहे हैं, तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है, विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। मेरे परिवारजनों, प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर
वापस लाना है। साथियों, आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है, अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। आज अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए फुटपाथ बन रहे हैं, आज अयोध्या में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। अयोध्या को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है। साथियों, आज मुझे अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया। महर्षि वाल्मीकि के लिए प्रभु श्री राम ने कहा था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा। अर्थात हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के समान है। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम, इस एयरपोर्ट में आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वो ज्ञान मार्ग है जो हमें प्रभु श्री राम से जोड़ती है। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। जो ये नया एयरपोर्ट बना है, तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, किस तरीके से उनकी तरफ से बताया गया कि अयोध्या में कितना बदलाव किया जा चुका है और आगे भी अयोध्या में इसी तरीके से बदलाव होंगे। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की तरफ से बेहद ही बदलाव किए गए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग।